पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहा है। कई जगह ब्लड कैंप लगाए गए हैं। देश में बड़ी रफ्तार के साथ टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। यानी जन्मदिन के मौके पर सरकार जनता से खूब तारीफें लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता नहीं भूली है कि सरकार ने इतने सालों में क्या किया, जिसका जवाब जनता सोशल मीडिया के जरिए दे रही है, जिसे लेकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। और इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने भी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हर साल पीएम को उनके जन्मदिन पर ट्वीट करके बधाई जरूर देते हैं। हां, पीएम की ओर से जरूर दो साल से इस तरह का ट्वीट राहुल गांधी के जन्मदिन पर आना बंद हो गया है। राहुल गांधी ने पीएम को जन्मदिन की बधाई जरूर दी, लेकिन अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने पीएम को देश की जनता से किया गया वायदा भी याद दिला दिया। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, कहां है 2 करोड़ नौकरियां, जिनका वादा करके बीजेपी देश की सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भुला दिया। राहुल गांधी ने हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ ही ट्वीट करते हुए कहा, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती, मित्रों के लिए नहीं। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि सरकार सिर्फ अपने मित्रों की सोचती है, किसानों को चंद उद्योगपति मित्रों का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार का राजहट ही तो है जो वो किसानों से बातचीत भी नहीं करना चाहती। साफ है, मुद्दा रोजगार का हो या किसानों का, कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।